बच्चों को आपने अक्सर बस, वैन या फिर पैदल स्कूल जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बच्चा घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाता है? आपने शायद ही ऐसा कभी सुना होगा, लेकिन बालाघाट में एक ऐसा बच्चा है जो रोजाना घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाता है। ये बच्चे का कोई नवाबी शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया झा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये तस्वीरें आदिवासी अंचल में रहने वाले ललित की है जो स्कूल आने जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करता है। ललित ना तो किसी राजघराने से ताल्लुकात रखता है और न ही किसी अमीर परिवार का है। दरअसल ललित बहुत गरीब परिवार से आता है, यहाँ तक कि वो अपने नाना नानी के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। नाना नानी का घर खेत में होने के कारण उसे रोजाना 4 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते इतने खराब है कि स्कूल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है। पढ़ाई के प्रति ललित की लगन से खराब रास्ते भी उसके हौसलों को कम नहीं कर पाई। ललित के नाना के पास घोड़ा था, इसलिए ललित ने 4थी क्लास में घुड़सवारी करनी सीख ली। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण ललित ने घोड़े को ही अपने आने जाने का साधन बना लिया और रोजाना उसी से स्कूल आने जाने लगा। घोड़े को नहलाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ और फिर स्कूल आता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 6। अच्छा, ये बताइए घोड़े से क्यों आते हैं स्कूल आप? सुविधा नहीं है, रास्ता खराब है। अच्छा, तो साइकिल नहीं है क्या आपके पास? साइकिल है लेकिन पंचर हो जाता। अच्छा, इसलिए घोड़े से स्कूल आते हैं। तो प्रतिदिन स्कूल आते हो घोड़े से? कब से आ रहे हो? एक दो महीने। आधुनिक युग में किसी छात्र को घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। जब भी कोई ललित को घोड़े पर स्कूल जाते देखता तो वो भी हैरान रह जाता। ललित के प्रिंसिपल का भी कहना है कि बच्चे की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर वो बेहद ही खुश है। ऐसा है कि जहाँ पे वो रहता है वो थोड़ा सा उसका रिमोट एरिया है, जंगलों में उसका मकान है, तो यहाँ स्कूल से और घर से उसकी 4 किलोमीटर दूरी है। सड़क जो है उसकी इतनी पक्की नहीं है और जो आने का साधन भी नहीं है, साइकिल से भी आता है, कई बार पंचर हो जाता है, तो वो घोड़े से प्रतिदिन स्कूल आता है। जिस प्रकार से घोड़े से प्रतिदिन स्कूल आ रहा है, पढ़ाई में क्या रुचि उसकी और क्या मतलब क्या विशेषता है उसकी स्कूल से, मतलब रोज घोड़े से आ रहा है स्कूल? वो प्रतिदिन आता है, रेगुलर है, एवरेज छात्र है, पढ़ाई में रुचि उसकी अच्छी है, जो भी कार्य उसको दिया जाता है वो प्रॉपर करके लेके आता है और जो है उपस्थिति उसकी काफी अच्छी है, रेगुलर आता है। अभाव में भी खुशियां कैसी ढूंढी जा सकती है ये हमें ललित से सीखना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और पढ़ाई में आ रहे हर मुश्किल को उसने पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार।